Hi guys, this is Geet and welcome to English with Geet. Aaj hum English speaking practice karenge, kuch daily use words seekhe, jo thode se advanced hain. To main aapko ye words bataungi, inka matlab bataungi, inke saath kuch sample sentences bataungi, aur fir aapko mauka dungi ki aap bhi in words ke saath sentence banaiye, comments mein likhiye, aur main wo sare sentences khud check karungi, aapko feedback dungi, jisse aapki English improve hogi. To chalo shuru karte hain. Jab koi cheez ya koi jagah ya koi insaan shant hota hai. तो इंग्लिश में हम उसे calm कहते हैं. शांत या calm कहने का एक और तरीका है इंग्लिश में और वो है serene. 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 He is calm. He is serene. तो पहला word है serene. मेरे साथ कहिए serene. अब आप serene के साथ एक sentence बना के comments में लिखिए. Train station में बहुत शोर होता है. बहुत शोर होता है को हम कहेंगे इंग्लिश में very noisy. The train station is very noisy. बहुत शोर होता है या very noisy को हम एक और तरीके से कह सकते हैं इंग्लिश में और वो है deafening. 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 The train station is deafening. अगला word है deafening. मेरे साथ बोलिए deafening. अब deafening के साथ आप एक sentence बनाइए. जब कोई बात साफ जाहिर होती है तो इंग्लिश में हम कहते हैं clear. Clear या साफ जाहिर को इंग्लिश में एक और तरीके से कह सकते हैं और वो है obvious. 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 उसकी नियत उसकी बातों से साफ जाहिर होती है. His words make his intentions clear. His words make his intentions obvious. अगला word है obvious. मेरे साथ बोलिए obvious. अब आपकी बारी है obvious के साथ एक sentence बना के comments में लिखिए. मेरा पड़ोसी बहुत अमीर है. बहुत अमीर को इंग्लिश में कहते हैं very rich. My neighbor is very rich. बहुत अमीर या very rich को इंग्लिश में एक और तरीके से कह सकते हैं और वो है wealthy. 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 My neighbor is wealthy. Word है wealthy. मेरे साथ बोलिए wealthy. अब आपको पता है wealthy के साथ आपको एक सेंटेंस बना के कॉमेंट्स में लिखना है जिसे मैं चेक करूंगी. पक्का को हम इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेट. पक्का है कि मैं कल जा रहा हूँ. इट इज डेफिनेट दैट आई एम गोइंग टुमारो. पक्का या डेफिनेट को इंग्लिश में एक और तरीके से कह सकते हैं और वो है सर्टन. 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 इट इज सर्टन दैट आई एम गोइंग टुमारो. इट इज डेफिनेट दैट आई एम गोइंग टुमारो. इट इज सर्टन दैट आई एम गोइंग टुमारो. द वर्ड है सर्टन. मेरे साथ कहिए सर्टन. अब सर्टन के साथ आप एक सेंटेंस बना के कॉमेंट्स में लिखिए. जब चीजें एक जैसी नहीं होती हैं, अलग होती हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंट. ये इयररिंग्स अलग हैं. दीज इयररिंग्स आर डिफरेंट. डिफरेंट को इंग्लिश में एक और तरीके से कह सकते हैं और वो है डिससिमिलर. दीज इयररिंग्स आर डिससिमिलर. नेक्स्ट वर्ड है डिससिमिलर. मेरे साथ बोलिए डिससिमिलर. डिसिमिलर के साथ एक सेंटेंस आप बनाइए और कॉमेंट्स में लिखिए. किसी बात को डिटेल में या अच्छे से समझाने को इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लेन. मैं समझी नहीं. प्लीज मुझे अच्छे से समझाओ. आई डिडंट अंडरस्टैंड. प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी. अच्छे से समझाना या एक्सप्लेन को इंग्लिश में एक और तरीके से कह सकते हैं और वो है इलैबोरेट. 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 आई डिडंट अंडरस्टैंड. प्लीज इलैबोरेट. नेक्स्ट वर्ड है इलैबोरेट. मेरे साथ बोलिए इलैबोरेट. अब इस वर्ड के साथ भी आप एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए जिसे मैं चेक करूंगी. नकली को हम इंग्लिश में कहते हैं फेक. ये असली चांदी नहीं है, नकली है. दिस इज नॉट रियल सिल्वर, इट इज फेक. नकली या फेक कहने का एक और तरीका है इंग्लिश में और वो है आर्टिफिशियल. 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 This is not real silver, it is artificial. Agla word hai artificial. Mere saath boliye artificial. Ab aapki baari hai ki artificial ke saath aapko ek sentence likhna hai. I hope ye video aapko pasand aaya ho. Agar pasand aaya ho to like zarur karna, comment zarur karna aur share zarur karna. Agar aap aisa karoge to mujhe bahut acha lagega because isi tarah se aap mujhe feedback dete ho ki aapko mere videos pasand aa rahe hain aur main aise aur videos aapke liye banau. Agar aapne abhi tak mere YouTube channel ko subscribe nahi kiya hai to abhi ke abhi subscribe karo, bell button dabao aur mere saath jud jao.